हाय गुड इवनिंग एवरीवन। हाय हाय एवरीवन, हेलो गुड इवनिंग। चलिए सो फास्टली ज्वाइन करो सेशन। जिन लोगों को भी कोई भी प्रॉब्लम है, दिक्कत परेशानी समस्या है, बिल्कुल यार बहुत दिनों के बाद आई हूँ। हाँ, थोड़ी सी कुछ तबीयत वगैरह भी सही नहीं थी मेरी, सो यस थोड़ा टाइम लग गया, बट आ गए हैं तो अब आ गए हैं, है ना। हाँ वही ना, वही ऐसा ही कुछ है। हाय हाय सौरभ, से रोहन, मनीष, शुभम, सौम्या एंड अदिति, सूर्यांशु, हाय गाइस। चलिए सो फास्टली सेशन को ज्वाइन करो, सब लोग फास्टली ज्वाइन कीजिए। चलिए सो बेसिकली आज का जो सेशन है सो डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट सेशन है हमारे लिए, क्योंकि ये सेशन किस चीज़ का है, वो है 10 days रिमेनिंग। डर लग रहा है, 10 दिन बचे और डर लग रहा है। देखो डरने से तो वैसे भी कुछ होना है नहीं, तो डरना नहीं है हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो। एंड जितना भी हो हमें हमारा बेस्ट देना है। जस्ट अ सेकेंड, हमें अपनी तरफ से अपना पूरा बेस्ट देना है, तो यस बिल्कुल भी डरना नहीं है। एंड डेफिनेटली आपके बेसिक्स क्लियर होंगे एंड अच्छे से आपने प्रिपरेशन भी की है। और बेसिक्स अगर क्लियर नहीं है तो ज़्यादा टॉपिक्स तो हैं नहीं। आई थिंक वीआरसी में आपके 5 to 6 टॉपिक्स हैं इम्पॉर्टेंट, सो डैट उनको हम कवर कर ही लेंगे इसमें, इस सेशन में, ठीक है। सो आई मीन लाइक आप एमबीए पाठशाला में आप आई थिंक आप एमबीए पाठशाला का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। सो बाकी भी आपके जो सब्जेक्ट्स हैं लाइक जितने भी हैं तो वो भी डेफिनेटली कवर हो जाएंगे आपके। एंड यस आपको ऐसा है कि 10 days ही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो आप VRC बाय सुमन शेखावत करके आपको टेलीग्राम पे मेरा खुद का पर्सनल टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। सो डैट यस आपको कुछ प्रैक्टिस शीट्स वगैरह भी वहाँ पर मिल जाएंगी, डेफिनेटली यहाँ पर भी मिलेंगी, ऐसा नहीं है, बट यस और अदर सेशंस भी वहाँ पे रहते हैं मेरे, तो यस आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। MBA पाठशाला के टेलीग्राम, MBA पाठशाला करके आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वो चैनल भी ज्वाइन कर लो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें बहुत, क्योंकि ऐसा मुझे लगता है कि इस बार आई थिंक चांसेस हैं पैरा कंप्लीशन। बेसिकली पैरा कंप्लीशन एंड पैरा समरी जो है वो दो ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि ऑल्टरनेटिव हैं, है ना। उनमें से हर बार कोई ना कोई आ ही जाता है, कभी कोई कभी कोई। सो पैरा समरी या पैरा कंप्लीशन कोई आता है इस, क्योंकि लास्ट आई थिंक 3-4 टाइम से पैरा समरी ही आ रहा है, तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि इस बार पैरा कंप्लीशन हो सकता है। वेट, आई थिंक थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज रह रहा है। यस सो गाइज मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जो है हमारे पास जो टॉपिक आ सकता है एग्जाम में वो है पैरा कंप्लीशन। तो मुझे पैरा कंप्लीशन के चांसेस ज़्यादा लगते हैं इस बारी आने के, तो इसलिए आई थिंक। और पैरा कंप्लीशन थोड़ा सा आई थिंक आप लोगों को टफ भी लगता है रेदर देन समरी। तो समरी की क्योंकि आप लोग काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस, हर कोई एजुकेटर आपको समरी तो कराता ही कराता है, बट यस कंप्लीशन कोई कराए नहीं कराए, बट मैं तो डेफिनेटली करा ही दूंगी आपको, ठीक है। तो या गाइज तो पैरा कंप्लीशन पे अब हम आ जाते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो पैरा कंप्लीशन क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले बेसिक्स देखिए। MBA पाठशाला को गाइज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपके जो भी लाइक फ्रेंड्स हैं जो भी हैं, तो डेफिनेटली उनकी भी कुछ हेल्प हो जाएगी, है ना। क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ये चीज़ तो आपको पता ही है बेसिकली। तो यस हमें तो सबकी हेल्प करनी है। तो अब अगर देखा जाए बेसिकली, अच्छा बिल्कुल आता है पैरा कंप्लीशन या समरी जो है ऑल्टरनेटिव टॉपिक है। कभी समरी आ जाता है तो कभी कंप्लीशन आ जाता है, बट दोनों में से कोई ना कोई एक तो डेफिनेटली टॉपिक आता ही है। तो अब अगर हम बात करें सो बेसिकली पैरा कंप्लीशन है क्या, मैं आपको वो बता रही हूँ। तो बेसिकली पैरा कंप्लीशन हैज बीन अ रेगुलर फीचर ऑफ कैट पेपर्स इन सिंस 2005 से पैरा कंप्लीशन आ ही जाता है। सो बिफोर वी सॉल्व द पैरा कंप्लीशन questions we must try to understand basically what the question test कि para completion है क्या चीज है। so para completion questions test the candidates thought process। basically para completion जो है वो आपका logics check करता है, आपकी thought process check करता है कि आप कितना सोचते हो, क्या सोचते हो, वो thought process check की जाती है। their ability to conclude, you know, summarize, continue और keep track of an idea and argument। ठीक है, तो एक जो भी kind of आप देखा जाए तो like basically कंप्लीशन जो है वो प्रॉपरली ये कंक्लूजन है कि आपने क्या कंक्लूड किया है, इसके थ्रू क्या कंक्लूड किया है वो देखा जाता है। सो द पैराग्राफ कंप्लीशन, क्योंकि जैसा नाम से ही पता चल रहा है पैराग्राफ कंप्लीशन, इट मींस कोई ना कोई आपको पैराग्राफ गिवन होगा एंड बेसिकली आपको उसको कंप्लीट करना है, इट मींस वो इनकम्प्लीट होगा। सो पैरा कंप्लीशन क्वेश्चंस आर वेरी सिमिलर टू पैरा जंबल्स। बेसिकली पैरा जंबल क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा सिमिलर है वो, अगर आप इसको भी पीजे के थ्रू करोगे तो बहुत क्लैरिटी आ जाएगी आपको, है ना, ज़्यादा टफ नहीं लगेगा आपको। तो आज मैं एक सिंपल प्रोसेस बताऊंगी आपको कि इसमें और पीजे में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। सो द ओनली डिफरेंस इज दैट इन पैरा जंबल क्वेश्चन यू अरेंज सेंटेंसेस, आपको सेंटेंसेस को अरेंज करना होता है, एक रेंडम सीक्वेंस गिवन होता है such that they form a coherent paragraph, while in paragraph completion में जबकि क्या होता है you have to fit the last sentence of the paragraph। basically last sentence जो होता है वो आपको fit करना है इसमें और कुछ नहीं करना होता है। such that it gets with the rest of the paragraph, उससे relevant होता है। let's look the question direction of para completion, like आपको कैसे deal करना है इन questions को। so ये क्या कहता है कि each of the following questions has a paragraph form, एक paragraph form जो है वो basically आपको given होगी which the last sentence। बेसिकली कैट में जो है जो फॉर्मेट आता है पैरा कंप्लीशन का, फॉर्मेट आई थिंक 3 टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन है पैरा कंप्लीशन का, बट जो कैट में फॉर्मेशन आता है वो है लास्ट सेंटेंस जो है बेसिकली वो आपके पास में मिसिंग होता है एंड आपको करना क्या है उसी को फाइंड आउट करना होता है कि वो क्या हो सकता है। सो द क्वेश्चन स्ट्रक्चर जो होता है बेसिकली पैरा कंप्लीशन का, वो स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्या स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, समझ रहे हैं ये चीज। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लाइक कर दीजिए गाइज, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, आए हो क्लास में तो लाइक जरूर कर दो। ओके, पैरा कंप्लीशन बिल्कुल आता है। अभी तो सर की क्लास थी ना, कौन सा सर की क्लास थी, क्लास तो मेरी है ना। सो गाइज देखिए, तो बेसिकली अगर देखा जाए सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कम्स विद एन इनकम्प्लीट पैराग्राफ। बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो इनकम्प्लीट पैराग्राफ टाइप में होगा, इट मींस कि वो कंप्लीट नहीं होगा एंड हमें उसे कंप्लीट करना है। so leaving the last sentence which is required to be opted, जो last option जो होगा, जो last sentence जो होगा वो missing होगा and हमें वो देखना है। so out of the 4 alternates आपके पास में 4 options होंगे, ठीक है, यानी कि concluding statements, so given as a possible answer to complete the paragraph in the most appropriate way, आपको एक option उसमें से choose करना है। CAT begin with the such questions in 2006 से CAT में ये questions आते हैं and creating a great deal of confusion among the cat aspirants। तो अगर आपने इसके basics जो हैं वो नहीं किए हैं तो definitely आपको difficulty रहती है, ठीक है, and क्योंकि options भी जो होते हैं वो काफ़ी close रहते हैं, so थोड़ा सा problem हमें वहाँ भी होता है। तो अब जो issue रहता है उसको कैसे दूर करें, so चलिए कुछ approaches हैं, stepwise approach to solve para completion questions। तो वो क्या हैं वो देखते हैं। first जो देखो एक चीज़ मैं अगर आपसे बताऊँ तो बेसिकली जो पैरा कंप्लीशन, एक सेकंड ना, या तो बेसिकली अगर मैं बताऊं आपको, सो बेसिकली पैरा कंप्लीशन जो है होता क्या है, एक कोई भी एक पैराग्राफ गिवन होगा, कोई भी एक पैराग्राफ गिवन होता है आपको एंड लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ जो है उसका, लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ वो उसका मिसिंग होता है, ठीक है, वो मिसिंग होता है। आपको बेसिकली क्या करना है उसमें, जो मिसिंग सेंटेंस है उसी को फाइंड आउट करना है कि यार जो मिसिंग सेंटेंस है वो बेसिकली क्या हो सकता है या क्या नहीं, जो भी है वो हमें देखना है। तो हमें करना क्या है कि वी हैव 4 ऑप्शंस, आपके पास में 4 ऑप्शंस गिवन होंगे, ए बी सी एंड डी। आपके पास में 4 ऑप्शंस जो हैं वो डेफिनेटली गिवन होंगे इसमें पैरा कंप्लीशन में। अब आपको चूज करना है इसमें से एक परफेक्ट आंसर, तो वो क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है वो हम देखते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, आपको पता है कोई भी पैराग्राफ है उसका एक फॉर्मेशन होता है, उसका एक फिक्स्ड फॉर्मेशन होता है, आपको पता है ये चीज। तो वो फिक्स्ड फॉर्मेशन जो है वो बेसिकली क्या है, वो फॉर्मेशन देखिए आप। तो वो बेसिकली क्या हो सकता है, आपका जो फॉर्मेशन है वो एक फिक्स्ड, मैंने पहले पीजे में बताया हुआ भी है। ये पीजे से सिमिलर क्यों है वो मैं बताती हूँ आपको, सिमिलैरिटीज क्या है। बेसिकली पीजे में मैंने आपको बताया हुआ है कि एक फॉर्मेशन होता है पैराग्राफ का, एक फिक्स्ड फॉर्मेशन है। एंड वो क्या है कि फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ, बेसिकली कोई भी पैराग्राफ जो होता है वो किसी ना किसी टॉपिक पे होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कीजिए, उस टॉपिक को फाइंड आउट कर लीजिए कि यार इसमें क्या टॉपिक है, उस टॉपिक को फाइंड आउट करो। एंड देन आप देखो कि जो फर्स्ट सेंटेंस जो है वो क्या करेगा, वो इंट्रोड्यूस कर रहा होगा। आपका जो फर्स्ट सेंटेंस जो होता है पैराग्राफ का वो क्या कर रहा होगा, इंट्रोड्यूसिंग होता है, उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ जो है वो क्या होता है, वो उसको डिफाइन करता है। इट किसको, टॉपिक को, उस टॉपिक को डिफाइन कर रहा होगा सेकंड सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ। थर्ड जो सेंटेंस रहेगा वो थर्ड सेंटेंस क्या रहेगा, एक्सप्लेनेशन, वो उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा होगा, ठीक है। थर्ड सेंटेंस जो रहने वाला है वो है हमारा एक्सप्लेनेशन। एंड अगर आप जाते हो फोर्थ पे, तो फोर्थ होता है कंक्लूजन, जो आपको कंक्लूजन बता रहा होगा, ठीक है। एंड जो फिफ्थ सेंटेंस जो होता है पैराग्राफ का वो क्या होता है, एग्जाम्पल। हाँ, बट एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि कंक्लूजन एंड एग्जाम्पल का आपस में काइंड ऑफ आप ये बोल सकते हो इंटरचेंज होता है। कई बार एग्जाम्पल को पहले दे दिया जाता है एंड देन रिजल्ट बताया जाता है, या फिर कई बार क्या होता है ना कि रिजल्ट पहले आपको बता देते हैं एंड देन उसका एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। तो ये चेंज होता है। अब बेसिकली अगर देखा जाए, आप बताइए इस पैराग्राफ में बेसिकली पैरा कंप्लीशन हमें करना है, इट मीन्स कि इनकम्प्लीट होगा तो क्या मिसिंग होगा, या तो एग्जाम्पल मिसिंग होगा या फिर कंक्लूजन मिसिंग होगा, इन दोनों में से कुछ एक मिसिंग होगा, या तो कंक्लूजन या फिर एग्जाम्पल। तो आई थिंक अब आपको आपका आंसर फाइंड आउट करने में थोड़ा इजी रहेगा, बिकॉज आपको पता है इफ एग्जाम्पल इज मिसिंग तो हमें एग्जाम्पल चूज करना है, अगर कंक्लूजन मिसिंग है तो हमें कंक्लूजन चूज करना है, ठीक है। इन दोनों में से जो भी चीज मिसिंग है वो चीज हमें चूज करनी है इन ऑप्शंस में से, ABCD में से। तो बेसिकली पीजे एंड इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं, अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचें। अब कुछ चीजें हैं जो कि कुछ स्टेप्स बताए हुए हैं। सो फर्स्ट आइडेंटिफाई द गेस्ट, या बोल दो या फिर टॉपिक बोल दो आप, अपनी लैंग्वेज में ईजी रहेगा। सो बेसिकली आइडेंटिफाई द टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ, पैराग्राफ का टॉपिक क्या है, किस टॉपिक पे या किस पॉइंट पे जो है हमारा पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है या किस पे है, वो चीज आप देख लें, ठीक है। सेकेंड जो है आइडेंटिफाई द कंटिन्यूइंग थ्रेड ऑफ द थॉट। बेसिकली आपको क्या देखना है कि जो भी पॉइंट्स हैं वो किस पॉइंट पे जो कंटिन्यूएशन जो चल रहा है ना। इट मीन्स कि हो सकता है मे बी स्टार्टिंग में आपको कुछ ओपनिंग कुछ भी इंट्रोड्यूस किया गया हो टॉपिक से, जो भी आपका टॉपिक चल रहा है उसे इंट्रोड्यूस किया गया हो, एंड देन उसके बाद में उसका एक्सप्लेनेशन चल रहा है, या फिर एक्सप्लेनेशन के बाद में जो भी कंक्लूजन चल रहा है, जो लास्ट थिंग जो मिसिंग है आपको वो चीज़ चेक करनी है, ठीक है। जो भी चीज उसमें मिसिंग है आपको वो चीज चेक करनी है, ओके। तो वो कंटिन्यूएशन देख लो कि वो कंटिन्यूएशन क्या चल रहा है। सेकंड, कंटिन्यू द थ्रेड ऑफ थॉट, कीप इन माइंड फर्स्ट थिंग। तो आपको करना क्या है, वी कंटिन्यू द इन्फरेंस, यानी कि क्या इन्फर हो रहा है या क्या कंक्लूजन आ सकता है वी हैव ड्रॉन। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपने माइंड में एक कंक्लूजन बना लेना है कि हाँ ये कंक्लूजन हो सकता है। पीपल हु आर नॉट एक्सपर्ट आर नॉट इन द पोजिशन, अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो पैरा कंप्लीशन में तो डेफिनेटली आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हाँ, किसी कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। पैरा कंप्लीशन जो है वो समरी से ईजी है यार, आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी ईजी है, अगर आप इसको पीजे पैटर्न से कर रहे हैं। अगर आप इसको पीजे पैटर्न से कर रहे हैं तो ट्रस्ट मी ये ईजी है, टफ नहीं है ये। सो अगर आप जो है आपको इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपने पहले कभी पैरा कंप्लीशन क्वेश्चन किया नहीं है, तो डेफिनेटली आपके लिए थोड़ा टफ हो सकता है, बट यस आप अब कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आप जो है वो कैसे एक्सपर्ट बन सकते हो, आप बन भी सकते हो, आई मीन। सो बट वी कैन नॉट से देयर रिजल्ट्स विल बी डिजास्टर्स एज द पैसेज मेंशंस हाउ वेल दे गेट अलॉन्ग, सो वी अडॉप्ट मिडिल पाथ ऑफ चॉइस का। वो क्या है, हम आई थिंक एलिमिनेशन प्रोसेस के थ्रू चलेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा हमारे लिए, ठीक है। अप्रोच टू फाइंडिंग द लास्ट लाइन ऑफ द पैसेज। बेसिकली कैट में जो है वो आपके पास एक ही पैटर्न आता है, वो है लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ इज मिसिंग। सो जो लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ है डेफिनेटली वो आपके पास में मिसिंग रहने वाला है। So when we are looking for the last line of the passage, we have to keep in mind that the last line can be either or two things. Last sentence जो है basically अगर देखा जाए तो वो क्या हो सकता है, अगर आपका जो last sentence of the paragraph है या तो वो conclusion होगा या फिर वो example होगा, जैसा कि मैंने आपको भी बताया था, या conclusion होगा और example होगा, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। So strategies to eliminate the incorrect choices. आप incorrect choices को कैसे eliminate करो? So answer choice that repeat what is being already mentioned. First of all आपका completion का जो आंसर है वो कभी भी वो नहीं होगा कि जो चीज़ ऑलरेडी आपको पैराग्राफ में गिवन है, क्योंकि हमें करना क्या है, हमें पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। अब जो ऑलरेडी हम चीज़ देख चुके हैं पैराग्राफ में, जिस चीज़ की बात हो चुकी है या अगर किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन दी जा चुकी है, तो आई थिंक फिर से एक्सप्लेनेशन तो नहीं चल रहा होगा डेफिनेटली, ठीक है। तो यस, जो चीज़ ऑलरेडी मेंशन हो चुकी है वो नहीं होगी, क्योंकि ये समरी नहीं है, ये कंप्लीशन है, आपको उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यस, जो चीज़ ऑलरेडी मेंशन है वो नहीं हो सकता है। सेकंड देखिए, आंसर चॉइस तो आप उसको एलिमिनेट कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ ऑलरेडी गिवन थिंग या गिवन सेंटेंस आपको ऑलरेडी जो पैसेज में है बट फिर से आपको ऑप्शन में दिख रहा है तो उसको रिमूव कर दो, क्योंकि जो ऑलरेडी गिवन है वो आंसर नहीं होगा। सेकेंड जो है आंसर चॉइसेस दैट मूव फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक और वाइस वर्सा टू फास्ट, यानी कि जर्नल टू स्पेसिफिक पे जा रहा है, ठीक है। तो उसको एक बार देखिए, तो या उसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। आंसर चॉइसेस दैट कंटेन इन्फॉर्मेशन दैट इज बियॉन्ड द स्कोप, इट मीन्स कि टॉपिक जो है आपका टॉपिक है स्पोर्ट्स का एंड बीच में कोई ऑप्शन गिवन है आपको एजुकेशन पे, क्या दोनों में कोई दोनों आई थिंक रिलेवेंट है कि नहीं है, बिल्कुल रिलेवेंट नहीं है, तो आप ऐसे ऑप्शंस को भी रिमूव कर सकते हो। इट मीन्स कि आपका टॉपिक कुछ और चल रहा है, ऑप्शन किसी और पॉइंट पे बात कर रहा है, तो डेफिनेटली हम उसको रिमूव कर देंगे। आंसर चॉइसेस दैट आर अपोजिट इन थीम, थीम जिनका डिफरेंट है रेस्ट ऑफ द पैराग्राफ, मीन्स कि सपोज आपका जो पैराग्राफ है वो पॉजिटिव है एंड जो ऑप्शन है कोई वो नेगेटिव है, इट मीन्स कि वो कॉन्ट्रास्ट की बात कर रहा है, टॉपिक सेम है बट वो कॉन्ट्रास्ट में जा रहा है, अपोजिट जा रहा है, तो अपोजिट वाले को भी रिमूव कर दीजिए। आंसर चॉइसेस दैट इनसफिशिएंटली समराइज द गिवन, हम समरी नहीं कर रहे हैं, तो अगर कोई समरी ऑप्शन गिवन हो इट मीन्स क्या कि जो भी आपका पैराग्राफ है, पैराग्राफ जिस भी टॉपिक पे बात कर रहा है, इट मीन्स पूरे पैराग्राफ में जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन है वो उसको समराइज करके अगर हमें बता रहा है, तो यार हम समरी तो कर ही नहीं रहे, तो डेफिनेटली हम समरी वाले ऑप्शन को रिमूव कर देंगे, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को लाइक कर दो गाइज। सेकेंड पॉइंट हाँ बताती हूँ, समरी और कंक्लूजन में क्या डिफरेंस है। देखो समरी मीन्स क्या होता है, सपोज आपके पास में कोई भी पैराग्राफ गिवन है, ये एक पैराग्राफ है ना, तो समरी ऑप्शन क्या होता है, समरी होता है जितना भी इसमें इंफॉर्मेशन गिवन है इस कंप्लीट इंफॉर्मेशन को, इट मीन्स वो ऑप्शन चूज करना है जो इस कंप्लीट पैराग्राफ को इन शॉर्ट एक्सप्लेन कर दे, इन शॉर्ट आपको एक्सप्लेन कर दे, वो ऑप्शन आपका क्या होता है, वो होता है आपका समरी। बट कंक्लूजन मीन्स क्या है कि ये जो कंप्लीट पैराग्राफ है इसमें जो टॉपिक है उसका रिजल्ट क्या आया, कंक्लूजन रिजल्ट क्या आया, वो रिजल्ट है आपका कंक्लूजन, ठीक है। तो वो रिजल्ट है आपका कंक्लूजन एंड जो भी आपका पैराग्राफ था उसको इन शॉर्ट जो ऑप्शन बता रहा है वो है समरी, समझे ये चीज। सेकंड पॉइंट ये बोल रहा है जर्नल टू स्पेसिफिक की कोई इंफॉर्मेशन हो, जर्नल टू स्पेसिफिक मीन्स कि सपोज आपका टॉपिक जो है वो है कोविड वैक्सीन पे, ठीक है, ये वैक्सीन पे है, कोवैक्सीन पे जो है बेसिकली आपका पैसेज है, तो वो मतलब जो भी कोविड की जो वैक्सीन है उसके बारे में है। एंड जो आपका ऑप्शन है उसमें यहाँ पे कुछ ऐसा मेंशन नहीं है, बट जो आपका ऑप्शन है वो ओनली एंड ओनली कोविशील्ड की बात कर रहा है, वो एक जनरल बात चल रही थी एंड वो एक कोविशील्ड वैक्सीन की बात चल रही है, जर्नल टू स्पेसिफिक पे आ गए हम, तो अगर वैसा कोई ऑप्शन है लाइक तो आप उसको रिमूव कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाइए आंसर चॉइसेस दैट ऑफर एक्सेसिव, इट मीन्स कुछ ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन दे दी या फिर डिस्कर्सिव इन्फॉर्मेशन हो तो आप उसको भी रिमूव कर सकते हैं, काइंड ऑफ अगर आपको लग रहा है रिलेवेंट ही नहीं है या फिर इतना ज़्यादा इन्फॉर्म करने की नीड नहीं थी तो भी। आंसर चॉइसेस दैट ऑफर मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, इट मीन्स कि पॉइंट कुछ और चल रहा था और घुमा फिरा के ऑप्शन जो है उसको कहीं और लेके जा रहा है, कहीं और अगर उसको लेके जा रहा है उसको भी हम रिमूव कर देंगे, है ना। तो यस ऐसा आपको देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वीडियो को लाइक कर दो अगर आए हो सब लोग, तो ये चीज़ आपको क्वेश्चंस के थ्रू और क्लैरिटी आएगी। इट मीन्स आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा आने वाला है, ये जो येलो वन पार्ट है ये आपका पैराग्राफ है, इसका लास्ट लाइन जो है वो मिसिंग है। इट मीन्स कि इसके आगे जो है वो आपको फाइंड आउट करना है क्या कंक्लूजन आएगा। इस पूरे पैराग्राफ में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको रीड कीजिए एंड देखिए कि उसका क्या कंक्लूजन हो सकता है या क्या रिजल्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसको देखिए आप एक बार। मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ आपके लिए। हाय सूर्यांशु, कृपाली, हाय शुभम, राम, सात 40 पे ठीक है यार, 7:40 पे मुझे तो आइडिया नहीं है। देखिए अब इसमें आप ये देखो कि समरी ऑप्शन कौन सा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो बता दो कि मैम ये वाला जो है ये तो समरी ऑप्शन है, इट मींस ये तो होगा ही नहीं। हाय हर्ष, रिमाइंडर ऑन किया है क्या खुशबू? यार पता नहीं, मेरे पास उन लोगों ने कुछ ऐसा दिया नहीं है मुझे, कुछ लिंक वगैरह। चलो एक ऑप्शन ये बताइए जो कि इररिलेवेंट है, मतलब वो हो ही नहीं सकता है। सी ऑप्शन को देखिए, क्या वो आपको रिलेवेंट भी लग रहा है इससे, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि वो इसके आसपास भी है, मतलब लाइक काइंड ऑफ। यस, अगर आप जाएंगे और आप देखेंगे सी ऑप्शन को, अगर आप देखेंगे तो आई थिंक वो इररिलेवेंट है ना? ये ऑप्शन तो इररिलेवेंट है। अब आप इसको देखें, अदर पेशेंट्स डोंट लाइक व्हाट दे सी बट आर इग्नोरेंट ऑफ देयर राइट टू गो एल्सवेयर। ये आप समरी बोल सकते हो काइंड ऑफ, कि कहीं ना कहीं से, प्रॉपर तो नहीं बोलूंगी डेफिनेटली, ये भी नैरो ही है, बट यस ये काइंड ऑफ समरी बोल सकते हो। तो ये ऑप्शन जो है हमारा कंप्लीशन नहीं होगा, इट मीन्स इसके आगे की इंफॉर्मेशन या इसका कंक्लूजन ये तो नहीं होने वाला। अदर पीपल डू नॉट कम्युनिकेट, एक्चुअली में ना अगर आप कंक्लूजन पे जाते हो तो उससे जस्ट पहले वाला सेंटेंस, इट मीन्स कि जो ये सेंटेंस है इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है क्योंकि वो इसी का आगे कंटिन्यूएशन होता है ना, इसी का आगे कंटिन्यूएशन होता है। तो बेसिकली ये सेंटेंस क्या बोल रहा है, जर्नली ही नोज इट्स अबाउट टू हैपन बिफोर द पेशेंट डज, ठीक है। सो द डाउनवर्ड ग्लेंस रिपीटेड एंड द प्रिपेयर्ड क्वेश्चंस बिगिनिंग टू फॉल्टर एंड द ओवेम्फेटिक थैंक्स ड्यूरिंग द रिट्रीट टू द डोर। अब इसका और ऑप्शन ए का कोई रिलेवेंस है क्या, लाइक काइंड ऑफ अदर पीपल डू नॉट कम्युनिकेट ड्यू टू, क्योंकि आई थिंक मुझे नहीं लगता कि इसका और उसका पुअर ऑब्जर्वेशन से रिलेवेंट कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन है क्योंकि इसी का आगे कंटिन्यूएशन होगा। वो है क्या ऐसा कुछ, बताओ, बोल नहीं पा रहे हो। ठीक है, थर्ड तो इररिलेवेंट है ही, ऑफ कोर्स मैंने उसको खुद ही रिमूव कर दिया। ठीक है, फिफ्थ पे आ जाओ। दीज हैंड्स आर स्टीडी इनफ बट दे आर लार्ज। तो अब बताओ, ऑप्शन आपके पास में बट अदर्स विल टेक देयर प्लेस ही थॉट, तो आई थिंक ये तो नहीं होगा, अदर विल टेक देयर प्लेस। बताइए क्या लग रहा है आपको, क्या ऑप्शन बचता है, क्या ऑप्शन बचता है हमारे पास। यस, जो फिफ्थ सेंटेंस जो है वो इसका आगे कंटिन्यूएशन है क्योंकि दीज हैंड्स आर स्टीडी इनफ, ठीक है, स्टीडी इनफ बट दे आर लार्ज। नेक्स्ट पे आ जाओ। चलिए एक ऑप्शन बताइए। इररिलेवेंट ऑप्शन बताइए मुझे, इररिलेवेंट ऑप्शन सेकेंड समरी है, ओके, एंड इररिलेवेंट कौन सा है? इररिलेवेंट कौन सा है? अरे वाह रोमिक, तुम भी हो गया, अभी दिखे मुझे। देखो लास्ट सेंटेंस पे जरूर फोकस कर लेना, आई मीन टू से यहां से एक बार ठीक से पढ़ लेना। क्लाइमेट चेंज इज इवॉल्व्ड टू ब्रिंग ट्रेड प्रोटेक्ट, ठीक है, ओके, प्रोटेक्शनिज्म थ्रू द बैक डोर। यार आई थिंक ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, चलो, टेकिंग रिफ्यूज इन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, तो क्या ये होगा, इसके बारे में सोचो। मैंने ही आंसर किया था पिछला वाला, अच्छा ऐसा है क्या? ओके, बताओ मुझे ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए, और ये ऑप्शन जो है वो क्या है बेसिकली। फर्स्ट ऑफ ऑल सब लोग लाइक कर दो वीडियो। तो ये ऑप्शन क्या है? ये आपको फर्स्ट ऑफ ऑल किस, देखो, टुडेज क्लाइमेट चेंज चैंपियंस आर द, ठीक है, परपेट्रेटर्स ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक इनइक्विटी। क्या ये कंप्लीशन है? आफ्टर दैट, इसके बाद क्या ये आना चाहिए कि इकोनॉमिक, बेसिकली ये क्या बोल रहा है आपको कि चैलेंज पोज्ड बाय द रैपिड इकोनॉमिक राइज ऑफ चाइना एंड इंडिया इन दैट ऑर्डर, ठीक है। अब इसके बाद में कंटिन्यूएशन जो है इसका वो क्या हो सकता है? डिफेंडर्स ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेटस क्यो आर पोजिंग एज क्लाइमेट चेंज चैंपियंस। ये कंसर्न की बात कर रहा है, सो दैट्स व्हाई ये भी नहीं होगा, ठीक है, एंड ना ही राइजिंग ट्रेड। तो ये एंड एक और ऑप्शन था ना इससे रिलेटेड, ये, हाँ ये दोनों नहीं होंगे, तो आई थिंक सूटेबल ऑप्शन होगा ये। नेक्स्ट पे आ जाओ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैम इसका लैंग्वेज जो है थोड़ा सा टफ है, तो पहले कुछ इजी लैंग्वेज में करा दो, तो वैसे ही मैं आपको कोई शीट दे दूंगी थोड़ी इजी लैंग्वेज में, सो डेट आपको पहले क्लैरिटी आ जाए एंड देन आप प्लस लेवल पे जाओ। इस लेवल पे अगर आप चाहो तो उसके बाद जा सकते हो। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, इसको देखो एक बार। फर्स्ट ऑप्शन को देखो एक बार, फर्स्ट ऑप्शन को देखो, क्या वो हो सकता है? मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ आई थिंक जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आई थिंक जो ऑप्शन 1 है वो मैटन चेरी को डिस्क्राइब कर रहा है या सिर्फ सिर्फ उसी के बारे में बात कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे ही रिमूव हो गया भाई, क्योंकि वो ऑप्शन इसका आगे कंटिन्यूएशन तो नहीं है, इसका आगे कंटिन्यूएशन तो है नहीं वो, है ना। फर्स्ट को रिमूव कर दिया, अब बताओ कौन सा रिमूव होगा? वर ऑलवेज टॉलरेंट, ये तो इररिलेवेंट है ऑप्शन ही। थर्ड ऑप्शन को देखो, जज इन इंडिया वर ऑलवेज टॉलरेंट, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। रिलीजियस टॉलरेंस हैज ऑलवेज बीन ओनली अ फिकेट एंड नथिंग मोर, क्या ये है कि रिलीजियस टॉलरेंस जो है वो देखा जाए काइंड ऑफ हो भी सकता है, काइंड ऑफ एक तरीके से हम सही बोल भी सकते हैं, बट इसका आगे कंटिन्यूएशन नहीं है, ये थोड़ा रिपीटेशन सा लग रहा है, रिमूव कर दो। द प्रिटी पेस्टल स्ट्रीट्स आर दस वेरी पॉपुलर विद द टूरिस्ट, ठीक है, बट ये भी तो आप आ चुका है ना एक बार, भाई एक बार ये पहले बताया जा चुका है, यही कहीं था अभी मैंने देखा था, फ्लोर एंड प्रिटी स्ट्रीट्स, है ना। तो ये ऑलरेडी ये रहा फर्स्ट सेंटेंस में ही, तो ये तो फिर से उसी चीज को बता रहा है। तो ऑप्शन क्या बचता है हमारे पास? सीधा सीधा ऑप्शन ये बचता है सेकंड ऑप्शन, ये तो क्लियर आंसर है यहाँ पे। क्या ये क्लियर आंसर नहीं था? देखें और बताएं। तो ये तो बहुत क्लियर था, इजी था ये, हाँ बहुत इजी था। फिफ्थ नहीं होगा, फिफ्थ तो क्योंकि ऑलरेडी गिवन है, जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपको गिवन है ना वो कंप्लीशन नहीं हो सकता, क्योंकि वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वो तो हमें ऑलरेडी पैसेज बता चुका है कि क्या है, समझ रहे हैं। तो यस वो नहीं होगा। अब इसका जो है आपको शीट मिल जाएगा, एमबीए पाठशाला वाला जो टेलीग्राम है, आपको एमबीए पाठशाला टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए गाइस। सो जो एमबीए ऊपर आपको पिन दिखाई दे रहा होगा इस यूट्यूब में, सो एमबीए पाठशाला का जो टेलीग्राम है उसमें देख लीजिएगा एंड प्रैक्टिस करना, इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, और आप चाहें तो लाइक आप अगर आप चाहें तो आप आगे अपकमिंग ओमेट्स के लिए तो आपको न्यूज़पेपर भी ऑलरेडी ऑफ कोर्स मिल जाएगा, तो आप मेरा खुद का टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, VRC बाय सुमन शेखावत से आपको टेलीग्राम पे मैं भी मिल जाऊंगी। सो ये दोनों ही आपको करना है, शीट आपको मिलेगी वहाँ पे एंड आपको न्यूज़पेपर्स जो है वो रीड करने के लिए मिलेंगे मेरे खुद के चैनल पर, ठीक है, VRC बाय सुमन शेखावत। तो आज के लिए इतना ही है एंड कल का जो लेक्चर है वो भी इम्पोर्टेंट है, सो या कल मिलती हूँ मैं आपसे। अभी चलते हैं, है ना, अभी चलते हैं एंड आप लोग भी, और जो भी प्लस वाले हो उनको तो पता ही है सेशन है अपना अनअकैडमी पे, कल 7 PM सेशन रहेगा। आज थोड़ा सा कुछ काम हो गया था तो सो डेट में 7 PM पे ले नहीं पाई इसको, बट कल सेम टाइम पे मिलेगा आपको ये सेशन, ठीक है। चलिए तो अभी के लिए चलते हैं, बाय, टेक केयर, बाय गाइस। MBA पाठशाला वाला चैनल भी ज्वाइन करना है क्योंकि इसकी शीट दूंगी मैं वहाँ पे आपको, ओके। चलिए बाय बाय।